मांगों पर सहमति बनी थी। तो आज तक मान लो करीबन 6-7 महीने बीतने के बाद भी एक भी मांग पर अमल नहीं हुआ है। जो हमारी मांगों पर सहमति बनी थी वो पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अन्यथा नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर हैं। जो भवन निर्माण के मजदूर है वो आएंगे, आज हमने फैसला ले लिया है। अगर एक महीने के अंदर अंदर हमारी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। कि एक महीने के अल्टीमेटम के बीच में ही सरकार की तरफ से संतोषजनक आश्वासन आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकता है? नहीं, मैं ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि देखो जी, उम्मीद तो बहुत है, हमारी मांगे नहीं मानी, पूरा हरियाणा का मजदूर एकदम सड़क पे आ जाएगा। सरकार का कोई कोष का पैसा नहीं है, सरकार के कोई बजट का पैसा नहीं कि मनसा मजदूर को कुछ देने की नहीं है। कॉर्पोरेट घरानों के आधार के ऊपर सरकार अपनी नीतियां बनाती है, उन्हीं को ये फायदा देना चाहती। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। नमस्कार, फिलहाल मौजूद है हिसार की कुम्हार धर्मशाला में और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है मजदूर प्रतिनिधि। आज जो है एक बड़े बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग सैकड़ों के करीब मजदूर यहां पर मौजूद है और फिलहाल जो जिस मीटिंग का यहां पर आयोजन किया गया है वो किया गया है संयुक्त निर्माण मजदूर यूनियन के द्वारा। कारण किस तरह के है, किस तरह मांगों को आज जो है ये मीटिंग के माध्यम से रखने का कार्य करेंगे, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह के मुद्दे लेकर आज जो है ये मीटिंग की जा रही है? आज की जो हमारी संयुक्त निर्माण मजदूर कन्वेंशन है वो पीछे हमारा जो मजदूर एक मोर्चा था तब हमने मंत्री से जो अनूप दानक जी है उनको एक ज्ञापन सौंपा था, उसमें हमारी 13 स्तरीय मांग पत्र जो सौंपा था उसमें हमारी 13 मांगों पर सहमति बनी थी जी। तो आज तक मान लो करीबन 6-7 महीने बीतने के बाद भी एक भी मांग पर अमल नहीं हुआ है। हमारी जितनी मांगे थी सभी पेंडिंग पड़ी है, तो हम उसी जो मांग हमारी थी उन्हीं को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अभी हमारी जो मांग थी, जो हमारी सहमति बनी थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, वहाँ भी हमारे को लिखित में लेटर दिया गया था भी आपकी जो मांग है वो पूरी हो चुकी है, आज तक उस मांग पर कोई अमल नहीं है। तो आज हमने ये कन्वेंशन करके मांग पत्र सौंपेंगे दोबारा। अगर समय रहते सरकार हमारी जो मजदूरों की जो समस्या है वो मांग लेती है, जो हमारी मांगों पर सहमति बनी थी वो पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अन्यथा नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर हैं। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था, इसी बीच क्या सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने उपायुक्त को भी उसी दिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सूचना दी थी, लेकिन हमारी जो कमेटी आज जो बैठी है उसने आगे डिसीजन ले लिया। हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी पे हैं जी। कहाँ कहाँ से आप जो है मजदूर संगठन को इसमें बुलाने वाले हैं? हमारे पूरे हरियाणा से जो भवन निर्माण के मजदूर है वो आएंगे। आज हमने फैसला ले लिया है कि सरकार के साथ हमने 13 सूत्रीय जो मांग पत्र हमारा था उस पे सहमति बनी थी, वो हमारी मांग नहीं मानी। अब ये एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं आज DC साहब को और श्रम मंत्री जी को भी हम आज देंगे। अगर एक महीने के अंदर अंदर हमारी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। एक महीने के अल्टीमेटम की बात की जा रही है, सर क्या आपको लगता है कि एक महीने के अल्टीमेटम के बीच में ही सरकार की तरफ से संतोषजनक आश्वासन आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल सकता है? नहीं, मैं ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सरकार ये हमारा समाधान कर देगी, क्योंकि जब हमारे को 27 जनवरी को श्रम मंत्री ने और चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया था कि आपका एक महीने के अंदर समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके 5-6 महीने बीतने के बाद अभी कोई समाधान हुआ। और 17 मई को हमने सरसा जिले के अंदर प्रदर्शन किया, वहाँ 18 को खट्टर साहब ने बुलाया, लेकिन कोई आश्वासन देकर टाल दिया कि आपका समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमने ये फैसला लिया आज कि आने वाले टाइम में जो भी मजदूर होगा पूरे हरियाणा से ज़्यादा हम श्रम मंत्री का घराव करेंगे, जब तक हम हरी ये मांगे आज हम मांग सूत्री पत्र देंगे, उसमें अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो एक महीने के अंदर अंदर हमें बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे हरियाणा में। अभी तक इनकी मांगों पर गौर तो किया गया है लेकिन संतोषजनक आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं, इसके चलते आज जो है एक तरह से राज्य स्तरीय यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कितनी उम्मीद अभी भी आप लोगों के अंदर बाकी है कि सरकार आपकी मांगों को स्वीकार करेगी? देखो जी, उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अगर ये सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पूरा आंदोलन, पूरा हरियाणा का मजदूर एकदम सड़क पे आ जाएगा।
क्योंकि आज मजदूर दर दर भटकता फिर रहा है, हर चीज के हर इतने कोई इन माल ने ऑब्जेक्शन ला दिए, इतने इन माल ने कोई भी पैसा नहीं डाला किसी प्रकार का भी, ना कोई पंजीकरण था, इन्हें कॉपी वेरीफाई की, इतने दुखी कर दिए मजदूर के तंग होते उसके इस सरकार से। जी अगर कोविड की बात करें सर, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा जो भयानक स्थिति जिसको फेस करनी पड़ी थी वो मजदूरों को ही करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है, हर चीज में बदलाव आ चुके हैं, शॉप्स ओपन हो चुकी है, जिंदगी दोबारा से ट्रैक पर आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन कमी कहां पर मानते हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे दोनों संगठनों की तरफ से, संसार क्रांति का और सरकार की, जो कोविड में 1000 रुपये सप्ताह के तौर के ऊपर निर्माण का जो पंजीकृत कामगार उसको दिया सरकार ने, लेकिन उसमें बड़ी खामी क्या रही है कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनका आधार जो लिंक नहीं था बैंक अकाउंट से, उस वजह से बहुत से मजदूर 70% से ज़्यादा मजदूर जो है जिनको अभी पैसा नहीं मिला वो भी आज तक नहीं दिया आधार लिंक होने के बावजूद भी। और उससे अलग अलग कमी ये है कि सरकार की जो मंशा है वो मंशा है कि यहाँ 4500 करोड़ से ज़्यादा श्रम बोर्ड के अंदर पैसा है, जो BOCW बोर्ड है निर्माण मजदूरों का, उसके अंदर जो सेस जमा होता है उस पैसे को सरकार का कोई कोष का पैसा नहीं है, सरकार के कोई बजट का पैसा नहीं, कि मंशा मजदूर को कुछ देने की नहीं है। ये कारपोरेट घरानों के आधार के ऊपर सरकारें अपनी नीतियां बनाती है, उन्हीं को ये फायदा देना चाहती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज तो हमारी दो यूनियनों का जो ज्वाइंट जो ये कन्वेंशन हुई है, आने वाले समय में हम दोनों की दोनों यूनियनें पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला के अंदर ऐसी कन्वेंशनें करके DC के मार्फत या जिस जिला के अंदर हम होंगे, जिस जिला में जिस जो MLA होगा उस MLA के मार्फत ज्ञापन देंगे, फिर भी नहीं हुआ है तो हम दूसरी यूनियनों के साथ भी हमारा भी तालमेल चल रहा है। हम तकरीबन निर्माण मजदूरों की जो यूनियनें बाकी आंदोलन से है उसको जोड़ के दोबारा से जैसे संयुक्त मोर्चा बना था उसी तरीके से एक बड़े आंदोलन के रूप में हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बहुत सारे मजदूर प्रतिनिधि फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, 13 मांगे हैं, सबसे बड़ी बड़ी मांगे हम आपको बता चुके हैं, और आज की अगर बात करें तो दो मजदूर संगठन एक साथ मिलकर जो है आज बैठक कर चुके हैं और 1 महीने का टाइम सरकार को दे चुके हैं। सिर्फ इनका यही कहना है कि 1 महीने के अंदर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो अन्य संगठनों के साथ मिलकर ये बड़ा आंदोलन का रूप भी लेगी। मेरी भी सरकार से अपील है संसार क्रांति के माध्यम से, जो जो जायज मांगे हैं सरकार को भी होना चाहिए कि इन चीजों का बैठकर जो है टेबल के ऊपर इसका इलाज होना चाहिए, ना कि मजदूरों को मजबूर होना पड़े कि दर दर भटक कर जो है अपनी मांगों को रखना पड़े। बने रहिए संसार क्रांति के साथ, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।